हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सिबीगंज बरेली में। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार चैप्टर जो कि क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर है 10 बायो मॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है जैव अणु, का नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये प्रोटीन क्या होती है। तो सबसे पहले प्रोटीन जो वर्ड है वो बना है प्रोटियोस वर्ड से, प्रोटियोस वर्ड से, और ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और इसका जो मीन होता है वो मीन होता है प्राइमरी, प्राइमरी और इसे हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक, और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। अर्थात जो प्रोटीन है वो हमारी प्राथमिक नीड होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण, ये हमको चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ जो प्रोटीन है वो मोस्ट एवंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स होता है। इसका क्या मीन है? इसका मीन है जो भी हमारी बॉडी है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ये पदार्थ होता है। और किसका होता है? ये ऑफ लिविंग सिस्टम्स, जितने भी जीवधारी होते हैं उन सभी में ही ये कैसा होता है? मोस्ट एवंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स होता है। और बात करें इसके सोर्सेस की, ये हमें कहां कहां से मिलता है, तो सबसे पहला जो भी दालें हैं, पल्सेस, दूध हुआ, मिल्क, और मिल्क से बना चीज, पनीर, पीनट्स, मूंगफली, और इसके साथ साथ ये एग्स मींस अंडों में, फिश, मछली आदि एटसेट्रा, इन सभी में प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। बात करें ये प्रोटीन होते क्या है, तो ये प्रोटीन पॉलीमर होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स के, अमीनो एसिड्स के। और कौन से अमीनो एसिड्स के? अल्फा अमीनो एसिड्स के। तो सबसे पहले बात करते हैं ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो यहां पर वर्ड जो यूज हुआ है अल्फा, इसे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो इसके वर्ड से ही हमें पता लग रहा है इसमें एक अमीन ग्रुप होगा, साथ ही साथ एक एसिड ग्रुप भी होता है। और कौन सा एसिड ग्रुप होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहां पर सबसे पहले अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या ग्रुप हो? NH2 ग्रुप हो,
साथ ही साथ दूसरा कौन सा ग्रुप हो, एक ये कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो, कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो। ऐसे कंपाउंड्स को हम अमीनो एसिड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NH2CH2 or COOH। तो यहां पर ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है और यहां पर ये एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो इसका जो नेम होता है वो है ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है। साथ ही साथ यहां पर हमने कहा था अल्फा अमीनो एसिड। तो ये अल्फा अमीनो एसिड क्या है? तो अल्फा अमीनो एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये वाला, इनसे जुड़ा हुआ ठीक पहला वाला ही कार्बन पर अमीन ग्रुप जुड़ा हो। तो इनके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहां पर अल्फा अमीनो एसिड क्या होगा? ये ऐसा अमीनो एसिड जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ा एल्किल समूह, ये एल्किल समूह हो गया। तो एल्किल समूह के साथ ही ये अमीन ग्रुप जुड़ा हो, तब ऐसे कार्बन को जो भी यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कार्बन एटम, इस कार्बन एटम को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और इससे जुड़े अमीन, इससे अमीन जुड़ा हुआ है तब हम इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट बीटा अमीनो एसिड की, तो ये क्या होंगे? बीटा अमीनो एसिड। तो इनमें कार्बोक्सिल ग्रुप तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इनसे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो CH2, ये हो गया अल्फा। इसके जस्ट नेबर वाला, पड़ोसी वाला एक और कार्बन एटम, यहां पर एक और कार्बन एटम हो वो क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन एटम। और इससे अगर NH2 ग्रुप यहां पर लगा हुआ है तब हम इसे बोलेंगे बीटा अमीनो एसिड। साथ ही साथ अगर इस बीटा का भी कोई नेबर है तब हम इसे क्या बोलते हैं? गामा अमीनो एसिड। जैसे यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप, इसका नेबर ये क्या हो गया? अल्फा। इसका नेबर क्या कहलाएगा? यहां पर ये बीटा। इसका नेबर क्या कहलाएगा? ये गामा। इससे हमें ऐड करना है क्या? NH2 ग्रुप, तब ये कहलाएगा गामा अमीनो एसिड। ठीक इसी तरह से एक और एल्किल ग्रुप यहां पर ऐड हो जाए तो उसे हम कहेंगे डेल्टा अमीनो एसिड। तो यहां पर हम कह सकते हैं इस आधार पर, इस बेस पर हम अमीनो एसिड को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? अल्फा में, बीटा में, गामा में, डेल्टा में एंड सो ऑन। इस तरह से बात करें हम अल्फा अमीनो एसिड के कुछ एग्जांपल्स की, तो अल्फा अमीनो एसिड क्या क्या इसके एग्जांपल हैं? तो इनके जो नेमिंग होते हैं वो कुछ इस तरह से किए जाते हैं कि उनकी खास प्रॉपर्टी क्या है या फिर वो किस स्थान से सिंथेसिस किए गए हैं या किससे सिंथेसिस किए गए हैं। जैसे पहला है NH2CH2COOH, ये एक हमने अमीनो एसिड ले लिया है, वो भी कौन सा? अल्फा अमीनो एसिड। तो इसका जो नेम है वो होता है ग्लाइसिन। इसका नेम क्या है? ग्लाइसिन। जो किस तरह का होता है? एक स्वीट
मीन्स मीठा होता है। तो इसका जो नेम आया है ग्लाइसिन वो कहां से आया है, इसका ग्रीक जो नेम है वो होता है ग्लाइकोस, जिसका मीन होता है सुगर, मीन्स सुगर की तरह स्वीट होने वाला। तो यहां पर जो ग्लाइसिन नेम है वो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से जनरेट किया गया है ग्लाइसिन। इसी तरह से नेक्स्ट है ये टायरोसिन। ये क्या है, एक इसका जो नेम है टायरोसिन, ये कहां से आया, ये भी चीज से सिंथेसिस किया गया, क्योंकि ये चीज से फाइंड हो रहा है, और ये ग्रीक वर्ड होता है टायरोस। इसका जो मीन होता है वो है चीज, मींस चीज से सिंथेसिस किए जाने के कारण इसका नेम क्या रखा गया, टायरोसिन। तो यहां पर जो अल्फा अमीनो एसिड हैं वो हमने देखे कि जो भी उनकी खास प्रॉपर्टी होती है उनके आधार पर, या फिर वो जिससे सिंथेसिस किए जा रहे हैं, जिस स्थान से सिंथेसिस किए जा रहे हैं उनके नाम पर ही इनका नेमिंग कर दिया गया है। साथ ही साथ जो अल्फा अमीनो एसिड है, अब तक 20 अल्फा अमीनो एसिड ज्ञात किए जा चुके हैं, मींस अभी तक 20 अल्फा अमीनो एसिड ज्ञात हैं। और इनका नेमिंग की बात की जाए तो इन्हें के जो फर्स्ट थ्री लेटर होते हैं, इनका जो फर्स्ट थ्री लेटर है वही इनका नेम भी दे दिया जाता है। जैसे इसकी बात करें हम ग्लाइसिन की, तो इसे हम लिख सकते हैं GLY, यही थ्री लेटर, फर्स्ट थ्री लेटर से ही इसका नेम दे देते हैं। इसी तरह से टायरोसिन की बात करें तो इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या होगा, TYR, इतना फर्स्ट थ्री लेटर। या फिर एक और भी सिस्टम है, इनका फर्स्ट लेटर मतलब वन लेटर से भी इनको शो किया जाता है, कैसे आइए देखते हैं। तो यहां पर हमने कुछ 20 जो अल्फा अमीनो एसिड थे वो यहां पर नोट कर लिए हैं। तो ये तीन तरह के होते हैं, उदासीन, अम्लीय और कैसे होते हैं, क्षारीय। उदासीन ऐसे जिनमें अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप एक बराबर होते हैं, मतलब उनकी संख्या एक समान होती है। तो ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे ग्लाइसिन है, एलानिन है, बैलिन है, ल्यूसिन है, आइसो ल्यूसिन है, फेनिल एलालिन है, प्रोलिन है, मेथियोनिन है, ट्रिप्टोफेन है, सेरीन है, सिस्टीन है और थ्रियोनिन है, इसी तरह से और भी हैं। तो इनके जो त्रि अक्षर प्रतीक है, मतलब तीन अक्षरों से इनको डिनोट करने वाला जो सिस्टम है, उसमें ग्लाइसिन को GLY से, इसके एलानिन को ALA से, बैलिन को VAL और ल्यूसिन को LEU, आइसोल्यूसिन को I और यहां पर LE, ऐसे ही फेनिल एलालिन को यहां पर PHE और प्रोलीन को हम यहां पर PRO, इसी तरह से मैथियोनिन को MET, ट्रिप्टोफेन को TRP, सेरीन को SER, सिस्टीन को CYS और थ्रियोनिन को THR। और इनके जो एक अक्षर प्रतीक हैं, ग्लाइसिन को हमने G से डिनोट करना होता है, एलानिन को A से, वैलिन को V से, ल्यूसिन को L से और आइसोल्यूसिन को I से, फेनिल जो फेनिल एलानिन है इसको F से। तो यहां पर हमने यहां तक देखा आइसोल्यूसिन तक कि जो भी इनका फर्स्ट लेटर है वो उसी से हमने इसको डिनोट कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी नेम होते हैं जिनमें ये डबल आ जाता है,
कोई भी अक्षर मान लीजिए, जैसे ए से ही एलानीन है, और साथ ही साथ नेक्स्ट मिलेगा हमें एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, तो उनमें भी ए से ही स्टार्ट होगा। तब ऐसे कंपाउंड्स में हम कोई दूसरा लेटर यूज करते हैं, तो यहां पर हमने जो फेनिल एलानीन है उसको एफ से डिनोट किया है और इससे एफ से ही डिनोट किया जाता है। इसी तरह से प्रोलीन को पी से, मेथियोनीन को एम से, और ट्रिप्टोफेन को डब्ल्यू से, सेरीन को एस से, सिस्टीन को सी से, थ्रियोनीन को टी से डिनोट करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है ग्लूटामीन, इसको जी एल एन लिखा जाता है थ्री लेटर्स में और क्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है टायरोसिन, टायरोसिन का जो थ्री लेटर नेम है वो टी वाई आर है और इसे वाई से डिनोट किया जाता है। इसके बाद है अम्लीय अल्फा अमीनो एसिड, जिनमें ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्जिन है। इनके जो नेम है जी एल एन, एस्पार्टिक का ए एस पी, एस्पार्जिन का ए एस एन, और इनका जो वन वर्ड वन लेटर नेम है वो ई डी और एन से डिनोट करते हैं। क्षारीय अमीनो एसिड, जिनमें अमीनो एसिड मतलब अमीन ग्रुप है उनकी संख्या ज्यादा होती है और कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या कम होती है, ऐसे ये क्षारीय अमीनो एसिड कहलाते हैं। जिनमें आर्जिनिन आ गया, ए आर जी से इसको थ्री लेटर से डिनोट करते हैं और कैपिटल आर से। नेक्स्ट है लाइसीन, लाइसीन को एल वाई एस थ्री लेटर से डिनोट करते हैं और वन लेटर से के से डिनोट किया जाता है। हिस्टिडीन ये एच आई एस से और वन लेटर से एच से। यहां पर जो ये स्टार बनाए गए हैं इनमें जिन जिन पर भी ये स्टार बना हुआ है ये हमारी बॉडी के लिए मीन्स हमारे लिए जितने भी लिविंग सिस्टम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।